Assalamualaikum viewers, मैं हूं आपकी होस्ट जबेरिया अनवर और आप देख रहे हैं My Motivational Team YouTube चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। viewers, मेरा आज का मौजू है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और खुद को पूरे एतमाद कैसे बनाया जाए। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। खुद एतमादी क्या है? खुद एतमादी एहसास है। खुद एतमादी कामयाबी की चाबी है। जीतने से पहले जीतने की उम्मीद है। खुद एतमादी खामोश विनर है। ये एक आजीज चैंपियन है। तारीख गवाह है कि आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अपनी खूबियों को तस्लीम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद को जिस तरह से वो थे उस तरह से तस्लीम करना शुरू कर दिया था। तो खुद एतमादी इंसान के अंदर तब ही आ सकती है जब वो खुद को तस्लीम करना शुरू कर देता है। सबसे पहली जरूरी चीज खुद को तस्लीम करना है। आप किसी से कम नहीं है, आप किसी से बढ़तर नहीं है, हर इंसान बराबरी की सतह पर है। और दूसरी बात, खुद का दूसरों से मुवाजना करना छोड़ दें। ये जो कंपैरिजन का सिस्टम है ना, ये अल्लाह ने हमारे अंदर नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं पैदा करने वाले अपने अंदर खुद से? इंसानों का इंसानों के साथ कोई मुवाजना नहीं। इंसान की सिर्फ एक पहचान है, सिर्फ एक पहचान है, और वो है अशरफुल महलुकात। वो बाकी तमाम तर महलुकात से अशरफ तो हो सकता है, वो जानवरों से बढ़तर हो सकता है, वो हशरात से बढ़तर हो सकता है, पर वो इंसानों से बढ़तर नहीं हो सकता। इंसानों में फजीलत का मियार सिर्फ तकवा है। खुद एतमादी सिर्फ ये है कि आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि आप किसी से कम नहीं है, आप किसी से बेहतर नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी से कंपैरिजन को हटा देंगे ना, तो खुद एतमादी अपने आप आ जाएगी। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ। सिर्फ आपने अपना सोचने का नजरिया बदलना है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगी, ये शर्मीलेपन की और पूरे एतमाद होगी कि एक बच्चा है, वो अपने जब फैमिली में बैठा होता है तो वो बहुत पूरे एतमाद होता है। वो वहाँ पर हर तरह की बात कर सकता है उन लोगों के सामने जिन लोगों के सामने उसने खुद को तस्लीम कर लिया होता है या उसको यकीन होता है कि यहाँ पर मैं रिजेक्ट नहीं हूँगा। लेकिन वही बच्चा जब किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अभी तक खुद को तस्लीम नहीं किया होता, जहाँ पर उसको ये डर होता है कि मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, तो वहाँ पर उसका शर्मीलापन आ जाता है। वहाँ पर वो अपनी बात बेधड़क नहीं कह सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायनेस सिलेक्टेड चीज है, हमने खुद इसको अपने दिमाग में बिठाया हुआ है। सिर्फ आपने फर्क यहाँ पर लेकर आना है कि आपने हर जगह पर खुद को तस्लीम करना है। ये जो आपने अपने अंदर रिजेक्ट होने का होप रखा हुआ है ना, ये जो आपने अपने अंदर एक बाहिम्मत इंसान है उसको तालों में रखा हुआ है, उन तमाम तर तालों को तोड़ना है। और ये जो आपकी शायनेस है ना, शर्मीलापन, इसको वहां पर बंद कर देना है, हमेशा के लिए बंद कर देना है। खुद से उस तरह से प्यार करें जिस तरह से अल्लाह ने आपको बनाया है। अपने आप पर यकीन करें, जैसे आप हैं ना, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। दुनिया की कोई भी चीज मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की जात है। कोई भी इंसान किसी न किसी तरह नामुकम्मल जरूर होता है। मैं आपको बहुत तरीके बताऊं कि आप सीधे खड़े रहें, अपने कंधों को अकड़ा लें, आप लोगों के साथ आई कंटेक्ट रखें, उनसे आंखों में आंखें डाल कर बात करें, तो ये सब आप कर तो लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले, जब तक आप खुद को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जहन से रिजेक्शन का खौफ नहीं निकालेंगे, आप कभी भी ये तमाम बॉडी पोस्चर्स अपना नहीं सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज खुद को तस्लीम करना और रिजेक्शन के खौफ को दिमाग से निकालना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और फर्दर शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए मुझे मुख्तलिफ तरह की तजावीज भी देते रहें।